Hey guys, I welcome you all. It's a blessed day of Friday, so don't forget to recite Surah Kahaf and send plenty of salutations on our beloved. assalamu Alaikum, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. हाउ उज़ योर रमैान हाउ वज़ योर ईद डे आई होप कि आपका रमैदान भी अच्छा गुजरा होगा और ईद डे भी क्योंकि यू नो आफ्टर रमैान जो ईद की जो खुशी होती है दैट इज़ सो देट फीलिंग इज़ सो ब्यूटीफुल आप इबादत के बाद पूरा मंथ आपने जो एफर्ट्स की हैं इबादात की हैं उसके बाद अल्लाह ताली ने आपको एक दिन दिया है सेलिब्रेट करने के लिए यू नो वोर लव वस तो उसकी ये खुशी एक डिफरेंट खुशी होती है एंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल माई रमदान वज गोर अलहमदिल्ला जो भी मैंने रियलिस्टिक प्लान्स uh, बनाए थे वो अलहमदिल्ला थल ने एग्जीक्यूट करवा दिए एंड आई वाज थिंकिंग यू नो इज़ बेस्ट मंथ जिसमें हम कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं और कोई जो बुरी हैबिट है उसको छोड़ सकते हैं अगर हम रमदान में जो भी एक्ट्स ऑफ वर्शिप कर रहे होते हैं या कोई हैबिट डेवेलप करते हैं उसमें से एक या दो हैबिट्स अगर हम आगे वाले मंथ्स में भी लेके जा सकें तो इट बी अ ग्रेट थिंग क्योंकि यू नो रमदान इज ऑल अबाउट गिविंग योर बेस्ट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट और अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स हमारे इंटेंशन देख रहे होते हैं कि हम कितने कितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं अल्लाह को क्वांटिटी से गर्ज़ नहीं है अल्लाह ताला हमारी क्वालिटी ऑफ डीड्स देखते हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से करते हैं और उसके बाद फिर आगे उसको लेके भी चलते हैं क्योंकि प्रोफेसर वसलम की जो हदीस है नॉट एक्जैक्ट फर्ड्स मैं पैराफ्रेस कर रही हूँ कि बेहतरीन अमल कौन सा है कि जो कि कॉन्टीन्यूस किया जाए चाहे वो थोड़ा ही हो तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कोई भी रमज़ान में Uh, चाहे एक कोई हैबिट कोई कोई एक या दो हैबिट ऐसे गुड डीड्स हैं वो हम लेके आगे चल सकें ताकि जो भी हमने अमल स्टार्ट किए थे वो हमारे कंटिन्यू हो सकें अगर आप तरावी पढ़ते थे रमदान में तो आप तहज की नमाज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं रम़ान में जैसे हम कुरान पढ़ते थे अगर हम उतनी क्वान्टिटी में नहीं भी कुरान पढ़ सकते लेकिन एटलीस्ट हम ये डिसाइड कर लें कि हमने डेली का इतना पोर्शन जो है वो पढ़ना है एंड जस्ट स्टिक टू इट और कंटिन्यू करें फिर इसी तरह से जैसे रमदान में हम रोज़े रखते हैं और उससे आगे हम जैसे शवाल के छः रोज़े होते हैं और इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी आप उसको देख सकते हैं मैं इसका लिंक जो है वो डाल दूंगी यू कैन check that video Uh, तो रमज़ान में आप वो उसके बाद आप छः रोज़े रखें शवाल के और फिर आयाम बीस के रोज़े हैं या मंडे थर्सडे के जो रोज़े हैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यू नो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कौन सी uh, जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करना है रमज़ान के बाद उसमें से एक चीज़ uh, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो वो ये है कि कंटेम्पलेट करना क़ुरान पे और इसके बारे में पढ़ रही थी uh, जो शेख सादी हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि कंटेम्पलेटिंग द क़ुरान मीन्स टू कन्टेम्पलेट इट्स मीनिंग टू रिफ़्लेक्ट ऑन इट्स टीचिंगस एम्स एंड विजडम्स और कन्टम्पलेटिंग द कुरान इज़ दी टू एंड फाउंटेन हेड ऑफ़ ऑल नॉलेज और हमें अल्लाह तला ने कुरान में बहुत सी ऐसी आयात में ये इंक्रेज किया है कि हम कुरान पर गौर वफ़िक करें कन्टेम्पलेट करें और सिर्फ इंक्रेज नहीं किया है बल्कि ये कुरान का मेन पर्पज़ भी है कि हम कुरान पर गौर करें तदब्बर करें क्योंकि कुरान में आई नंबर ट्वेंटी नाइन सूरा सऊद थर्टी एट सूरा है और उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि दिस इज़ अ बुक द कुरान विच वी हैव सेंट डाउन टू यू फुल ऑफ ब्लेसिंग्स दैट दे मे पॉन्डर ओवर इट्स वर्सेज एंड दैट मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मे रिमेम्बर और इसका मैं उर्दू ट्रांसलेशन भी रीड कर देती हूँ ये कुरान एक किताब है हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया बड़ी बरकत वाली है ताकि वो इसकी आयतों पर गौर करें और इससे नसीहत हासिल करें ये बहुत सी हमें और आयास मिलेंगी जिसमें पता चलता है कि कुरान पे गौर किया जाए एंड यू नो जब आप कुरान पे कंटेम्पलेट करते हैं जब आप इस पे गौर फिक्र करते हैं तो उससे क्या होता है कि इट इंक्रीज़ योर ईमान आपका ईमान बढ़ता है अल्लाह के बारे में आपका पता चलता है अल्लाह तफेक्ट के परफेक्ट परफेक्ट क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है एंड यू लर्न द वे टू वर्शिप अल्लाह अला और जितना ज़्यादा आप कुरान पे कंटेम्पलेट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका नॉलेज आपकी फोरसाइट और आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कुरान को लेके वो बढ़ती जाएगी सो टेक होम मैसेज क्या है कि जब भी कुरान पढ़ें कंटेम्पलेट uh, करें Uh, ek message how you can implement in your life. And you know, so it is very important and compulsory to contemplate the Quran and it was the way of the companions. Okay, guys, so that was all I wanted to share. I hope you found this video beneficial. Have a very good day. I will see you with another reminder. Till then, take care of yourself. Asalaamu.